बॉलीवुड मिर्च मसाला। हेलो एंड वेलकम टू द शो। मैं हूँ वर्षा और हाजिर हूँ बॉलीवुड की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। रणबीर कपूर, युवराज सिंह और सिद्धार्थ मालिया के बाद अब किसने जला दिया है दीपिका पादुकोण की जिंदगी में प्यार का दिया, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रणबीर कपूर, युवराज सिंह और सिद्धार्थ मालिया के बाद अब दीपिका पादुकोण का नाम जुड़ा है एक और एक्टर के साथ। किसी जमाने में रणबीर कपूर के साथ सात फेरे लेकर सेटल होने की सोच रही दीपिका पादुकोण ने जब रणबीर कपूर से अपना किनारा किया तो सब लोग हैरान रह गए। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानगी तब हुई जब दीपिका पादुकोण का नाम क्रिकेटर युवराज सिंह और बिजनेसमैन सिद्धार्थ मालिया के साथ जोड़ा गया। और अब जो लेटेस्ट नाम दीपिका पादुकोण के साथ जुड़ा है वो है उनके पहले बॉयफ्रेंड यानी रणबीर कपूर से मिलता जुलता। जी हाँ, ये नया नाम है इंडस्ट्री के रिकी बहल यानी रणबीर सिंह का। हमारे मुंबईया खबरियों के मुताबिक इन दोनों को रिसेंटली एक रेस्टोरेंट में लंच करते हुए देखा गया। वेल, ये लंच कितना स्पेशल था दीपिका पादुकोण के लिए इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लंच के बाद सीधे दीपिका बैंगलोर के लिए निकल पड़ी। और जहां तक बात है रणवीर सिंह की, उनका नाम अपने को एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ना कोई नई बात नहीं है, इसलिए दीपिका पादुकोण का नाम उनके नाम के साथ जुड़ना एक बहुत ही आम बात है क्योंकि ये दोनों कर रहे हैं संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म। दीपिका पादुकोण के पिछले कई रिलेशनशिप्स का कितना टेन्योर रहा ये तो हम सभी ने देखा, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि रणबीर सिंह के साथ दीपिका पादुकोण के इस रिश्ते को कोई मुकाम मिलता भी है या नहीं। मुंबई से बॉलीवुड मिर्च मसाला के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इन दिनों सलमान खान कैटरीना कैफ के किस सीन से परेशान हैं और कैटरीना के किस से बढ़ रही है नजदीकियां, जानने के लिए देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं कई सारी कम उम्र लड़कियों के साथ रोमांस के चर्चों के लिए मशहूर सलमान खान वाकई काफी सुधरे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं सलमान खान के उस सीधेपन की जो डेफिनेटली उनकी रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में दिखाई देता है। सलमान खान का मानना है कि ऑन स्क्रीन एक्टर्स का लिप लॉक सीन्स देना किसी स्क्रिप्ट की डिमांड कभी भी नहीं हो सकती, बल्कि ये तो एक ऐसी डिमांड होती है जो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स या फिर एक्टर्स के कहने पर क्रिएट की जाती है। इस बार डेफिनेटली सलमान का इशारा था अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ और अपने जानी दुश्मन शाहरुख खान की तरफ, जिन्होंने अपनी रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म जब तक है जान में पहली बार ऑन स्क्रीन दिया है लिप लॉक सीन। इस लिप लॉक सीन से खासे खफा और बुरी तरह से चिढ़े हुए सलमान खान के एक्सप्रेशंस उनके कमेंट्स से ही समझ आ रहे थे। लेकिन फिलहाल समझने वाली बात है कैटरीना कैफ के लिए, जिन्हें जरूरत है सलमान की बातों पर गौर करने की। वैसे हमारी तरफ से भी कैटरीना को ये एडवाइस है कि वो सलमान की बातों पर जरा गौर करें और अपने पैर अपनी चादर तक ही समेट के रखें, क्योंकि इंडस्ट्री में कैटरीना कैफ की आज जो भी पोजीशन है वो है सिर्फ और सिर्फ सलमान खान की बदौलत। और ये इंडस्ट्री के लोगों का ही कहना है कि सलमान खान का दिल जब किसी एक्ट्रेस पर आता है तो वो उसे आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, लेकिन जब उससे दिल टूट जाता है तब। मुंबई से बॉलीवुड मिर्च मसाला के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वैसे तो बेबू की हलकर जवानी के लाखों दीवाने हैं, लेकिन रॉयल फैमिली की बहू होने के बाद भी बेबू की गिर गई है मार्केट वैल्यू, जानने के लिए देखिए हमारी ये अगली रिपोर्ट। बॉलीवुड की टॉप 10 एक्ट्रेसेस में शामिल एक एक्ट्रेस लिस्ट से पूरी तरह से गायब है, और ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि है अपनी बेबो यानी करीना कपूर। सुनने में आया है कि शादी होते ही करीना कपूर की मार्केट वैल्यू बुरी तरह गिर गई है। किसी जमाने में इवेंट्स में परफॉर्म करने के लिए करोड़ों रुपए की डिमांड करने वाली करीना कपूर अब लाखों रुपए में ही अपनी परफॉर्मेंस देने को तैयार है। वो बात और है कि करीना कपूर ने शादी होते ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली की बहू हैं, तो इसलिए अब से वो इवेंट्स और न्यू ईयर ईव पर परफॉर्म नहीं करेंगी। लेकिन रिसेंटली जब एक चैनल की तरफ से उन्हें एक लाइव परफॉर्मेंस का प्रपोजल आया तो उन्होंने झटपट मान लिया। सुनने में तो ये भी आया है कि करीना कपूर ने इस लाइव परफॉर्मेंस के लिए कोट किए 1 करोड़ रुपए, जिसे चैनल ने दरकिनार कर दिया। चैनल का मानना है कि अब करीना कपूर की मार्केट वैल्यू गिर चुकी है और अब किसी भी कीमत पर 1 करोड़ रुपए की कीमत तो उन्हें बिल्कुल नहीं वसूलनी चाहिए। करीना ने भी मौके की नजाकत को समझा और 55 लाख रुपए में सौदा तय करने की पेशकश की, जिसे चैनल ने मंजूर कर लिया। भाई अब ऐसे में ये मानना
कि फिल्म एक्ट्रेसेस का शादी करना उनके करियर की बर्बादी है बिल्कुल सही लगता है। आई होप अब करीना कपूर का उदाहरण लेकर कैटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा जैसी एम्बिशियस एक्ट्रेसेस तो शादी का डिसीजन बहुत जल्द डेफिनेटली नहीं लेने वाली हैं। बॉलीवुड मिर्च मसाला के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये था आज का हमारा बॉलीवुड मिर्च मसाला एपिसोड। अगले हफ्ते होगी फिर से मुलाकात बॉलीवुड की नई गॉसिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।